गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस समय सुबह के 10 बज चुके हैं और मेड बर्तन करके तो जा चुकी है, लेकिन मैंने अभी सारे बर्तन लगाए नहीं हैं, थोड़े से ही लगाए हैं बस, क्योंकि हस्बैंड लंच लेकर जाते हैं ऑफिस। तो पहले मैं ब्रेकफास्ट और लंच ही बनाती हूँ, बाकी का किचन का काम मैं बाद में कर लेती हूँ। और इशू के लिए तो मैंने ओट्स बॉइल करके रख दिए हैं, और लंच में बनाए हैं मैंने आज कढ़ी और चावल, क्योंकि आज हमारे यहाँ कोई श्राद्ध भी नहीं था और कढ़ी चावल वगैरह ऐसी चीज़ें श्राद्ध में नहीं बनती, इसलिए मैंने कहा आज बना लेती हूँ। और ये है तड़का वाली मिर्च, ये कश्मीरी मिर्च है, ये ज़्यादा तेज़ नहीं लगती और बहुत टेस्टी लगती हैं कढ़ी में ऊपर से डाल के। और इधर ब्रेकफास्ट और लंच बनाते समय मैं बीच में चादर डालाई थी वॉशिंग मशीन में, देख के आती हूँ वो भी धुल चुकी होगी। अब वॉशिंग मशीन मैंने बालकनी में रखी हुई है। और आज बड़े वाले बेटे के भी कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, चादर धुलने ही वाली है बस, अब इसके बाद मैं उसी के कपड़े डालूंगी। और जब तक उसके काफ़ी सारे कपड़े ना हो जाए ना, तब तक वो धुलने के लिए ही नहीं देता, तो आज काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं तो आज धोऊंगी मैं। और ये इसी वजह से मैंने उसके लिए तो अलग से लॉन्ड्री बैग बनाया हुआ है, ये देखिए पूरा कपड़ों से भरा हुआ है, इसे मैंने खाली कार्डबोर्ड के बॉक्स से बनाया है और ऊपर से लगाया है जो गिफ्ट पैकिंग पेपर होते हैं वो। और मेरे पास डोरी भी थी तो हैंडल मैंने उसके लगा दिए, तो बहुत अच्छा सा लॉन्ड्री बैग तैयार हो गया। और ये लीजिए, बातें करते करते बेडशीट भी धुल चुकी है, अब इसको निकालूंगी और इसको सुखा दूंगी मैं, और इशू के कपड़े इसमें डाल दूंगी। तो पहले मैं सारे डार्क कलर के ही कपड़े डालूंगी, लाइट वाले बाद में डालूंगी मैं। वैसे आजकल ना वॉशिंग मशीन बहुत परेशान कर रही है, इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये बीच बीच में बंद हो जाती है कई बार। वैसे तो पुरानी भी काफ़ी हो गई है, सर्विस भी कराई है, लेकिन ये बीच में ना कभी कभी बंद हो जाती है चलना। अब कंडीशन ऐसी हो गई है कि ज़्यादा परेशान करेगी तो नहीं लेनी पड़ेगी। तो बस कपड़े तो मैंने डाल दिए हैं और सर्फ भी डाल रही हूँ मैं, सर्फ हम खुद से ही डालते हैं इसमें। और बस इसके बाद मैं मशीन में कपड़े धुलते रहेंगे, मैं नहाने के लिए चली जाऊंगी। सफाई वगैरह मैंने सुबह कर ली थी लंच और ब्रेकफास्ट बनाने से पहले। तो बस जब तक कपड़े धुल जाएंगे मैं जाती हूँ अब नहाने के लिए। और ये देखिए, ये मैं क्या बना रही हूँ, ये है मिठाई के जो डब्बे होते हैं उनके ढक्कन, उनसे बना रही हूँ मैं एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र, या फिर आप स्मॉल किचन रैक भी कह सकते हैं इसे। और इसके ऊपर लगा रही हूँ मैं वॉलपेपर, जो स्टिकर वाला होता है, इसका कागज़ उतारने के बाद ये चिपक जाता है, इस पे गम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता। ये 250-300 रुपये का रोल आता है, इसमें करीब 6 मीटर तो होता ही है अक्सर, किसी में 3 मीटर का रोल होता है कोई कोई, और कोई 6 मीटर का रोल होता है, मतलब क्वालिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन ये ना चिपकाने में बहुत इजी होता है, पीछे इसके जो पेपर होता है बस उसे उतारते जाओ और चिपकाते जाओ, जल्दी हो जाता है। तो बस ये काफ़ी जल्दी बन गया था, मैंने इसका बैक साइज़ का एक पेपर कटिंग कर लिया था और इसको मैंने चिपका दिया है, बहुत आराम से चिपक जाता है और फेविकोल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। और मेरे पास तो ढक्कन रखे हुए थे तो मैंने बना लिया ऐसे, आप बड़ा भी बना सकते हैं, बनाने का तरीका वही रहेगा, लेकिन हाँ ये है कि आप चाहें तो इस तरह से ही बड़ा रैक बना सकते हैं। Thank you.
और ये हो चुका है रैक तैयार। तो अभी लेकिन मुझे इसमें पाई लगाने हैं और मैं पाई लगा रही हूँ, जो प्लास्टिक की बोतल होती है ना उनके ढक्कन मैंने ग्लू गन से चिपका दिए इस पर। अब पाई तो मैंने लगा दिए लेकिन अभी ये थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, तो मैं इसमें डिज़ाइन बना रही हूँ ग्लू गन से। अब ये ग्लू गन से तो मैंने डिज़ाइन बना दिया, इसको हाईलाइट करने के लिए ना मैं अब मार्कर से बना रही हूँ उसके नीचे नीचे डिज़ाइन। ग्लू गन वाले डिज़ाइन के साथ साथ ही मार्कर से आउटलाइन कर दूंगी तो वो थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। ये देखिए मार्कर से आउटलाइन पूरी हो गई है और अब मैं दिखा रही हूँ मैंने कहाँ पर लगाया है इसको और क्या क्या मैंने रखा है इसमें। ये देखिए इस समय 11:30 बज चुके हैं जब तक मेरा रैक तैयार हुआ है, और मैंने घड़ी के पास ही किचन में एक कॉर्नर है साइड में तो वहीं पर रखा हुआ है ये इसके पास, तो आप टाइम देख सकते हैं। और ये देखिए मैंने सामान रख के भी दिखा दिया है, काफ़ी सामान आ गया है इसमें, छोटा छोटा है लेकिन काफ़ी आ गया है। और आज मुझे ये थोड़ा खाली खाली लग रहा था तो मैंने जो फ्रूट पिक वाला ट्री मेरे पास है वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।